दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी रंग की, हमने बात की थी स्पेस की, हमने शेप की बात की थी और हमने बात की थी लाइन की। अगर आपको याद हो तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने एक्सरसाइज भी की है। और अब हम बात करेंगे एक वैल्यू की। वैल्यू जो है एक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का एक तत्व है, मूलभूत तत्व है, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है कंट्रास्ट पैदा करते हैं। आप चीज़ों में, रंगों में, ऑब्जेक्ट में, हर चीज़ में डिफरेंस पैदा करते हैं। वो किस तरीके से अलग है एक दूसरे से और वो कैसे आँख को आपके अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर आप देखा जाए तो सभी एक जो सभी कलर होते हैं, वो कलर एक जगह पे अगर रख दें आप, और इस इन्हीं कलरों में आप अगर बारी बारी से थोड़ा 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 व्हाइट या थोड़ा 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 ब्लैक मिलाते रहें, तो आपको एक कलर का बैंड तैयार होता है, जिस बैंड में एक बहुत सारे कलर तैयार हो जाते हैं आपके। उस कलर में एक साइड अगर आप देखेंगे, जाते जाएंगे, जब आप व्हाइट मिलाते जाएंगे उस कलर बाद में, में व्हाइट से मिलाते आपने गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तो एक साइड जब आप इस साइड पहुंचेंगे तो आपको सफेद रंग मिलेगा, सफेद। फिर उसी तरह से अगर आपने इस तरफ, अगर आप काला, हल्का हल्का काला मिलाते गए, एक बार डार्क टोन ब्लैक की तरफ आ जाएगा। तो ये जो है आपका, ये टोनैलिटी होती है, ये वैल्यूज होती हैं कलर की। अब ये कलर की वैल्यूज हमको, हम देखते हैं कि जैसे हम इस तरफ जाते हैं, जो बिल्कुल जिसमें आप व्हाइट मिला रहे हैं, तो आप जितना राइट साइड मूव करते हैं, जितना आप व्हाइट मिलाते हैं, वो हाइलाइट्स होती हैं आपकी, लाइटर कलर्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टोन्स जो है वो लाइट कलर फॉर्म करेंगे। जनरली हमारे पास एक स्केल होता है, जिस स्केल से हम इसको परिभाषित करते हैं। जैसे इसमें हम नाइन, एक नौ का स्केल होता है, नौ अंकों का स्केल होता है। उसमें तीन अंक जो होते हैं वो आपके शेडो के होते हैं, जो कि डार्कर टोन की बात हो रही है, और तीन अंक, तीन जो होते हैं वो मिड टोन की बात हो रही है। मिड टोन का मतलब है आपके जो मध्यम कलर हैं वो, और जो आपके पास एक और एक कैटेगरी है जिसमें आपको कह रहे हैं उसको आपको हाइलाइट्स, हाइलाइट्स का मतलब है हल्के रंग। अब हल्के रंगों का उदाहरण, एक बेहतरीन उदाहरण है मेरे पास यहां पर। आप इस टेक्सटाइल को देखें गौर से, इसमें आप देखेंगे कि कैसे हल्के रंगों का इस्तेमाल करके, और आपको ध्यान होगा कि मैंने लाइंस की बात की थी और हमने लाइन में पढ़ा था कि किस तरीके से लाइन जो है वो मोटी पतली हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। देखिए आप यहां पर कितनी अच्छी तरह से लाइन का इस्तेमाल करके और डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू है कलर की, कलर की वैल्यू को चेंज कर करके किस प्रकार से एक हाइलाइट जो है, जो आपके हल्के कलर्स हैं, हल्के रंगों का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से आप देखें कंट्रास्ट को समझने के लिए। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि आप एक, जो आपका एक साइड बिल्कुल काला था और एक साइड बिल्कुल सफेद था, आप अगर इन दोनों कलरों को एक साथ मिला दें, या दो जो आपको बिल्कुल ऑपोजिट कलर है, मतलब जो ऑपोजिट कहने का मतलब है कि जो वैल्यू में दोनों दोनों की जो वैल्यू है, जो मात्रा है कलर की, रंग की जो मात्रा है, वो अलग हो अगर, तो वो किस तरीके से दिखती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, सफेद के साथ जो काला है उसको इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप इसको, सफेद के साथ काला इस्तेमाल किया गया है, सफेद के साथ काला इस्तेमाल करने से देखिए किस तरीके से इसकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती है, किस तरह से डिजाइन में एक कंट्रास्ट, एक उभार जो है वो दिख रहा है हमें, एक अलग जो एक एक दूसरे से जो अलग होने की प्रवृत्ति है डिजाइन की, वो दिख रही है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो इस डिजाइन में किस तरीके से हमने वैल्यू का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें चेंज की। जैसे आप देखिए, इसमें भी आपको एक डार्क टोन दिखेगा, सब सबसे डार्क टोन आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सबसे डार्क टोन है इस डिजाइन में। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है आपका, ये मध्य का टोन है, जो मध्य वैल्यू है, वैल्यू जो है इसकी, ये मध्यम में है कहीं पर, बीच में है कहीं पर। और फिर उसके बाद अगर आप देखें इसको, तो ये सबसे लाइटर है, सबसे लाइटर टोन है ये। तो इस प्रकार से हम विभिन्न रंगों की जो इंटेंसिटी है, रंगों की जो वैल्यू है और रंगों की जो मात्रा है, उसको हम बढ़ा करके, घटा करके और बहुत ऐसी सारी चीजें कर करके, उसमें मिश्रण करके, उसमें हल्के रंग, गहरे रंग का मिश्रण करके सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। ये आप बहुत एक्सपेरिमेंट करना होता है आपको। आप जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा निपुण हो जाएंगे आप इसमें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कलर थ्योरी भी पढ़ेंगे तो आपको, मेरे कलीग एक बहुत विस्तृत वीडियो में आपको कलर थ्योरी पढ़ाएंगे, उस कलर थ्योरी में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वैल्यू चार्ट बनाया जाता है और किस तरह से वैल्यू चार्ट को समझा जाता है। वहां पे आपको इसकी और ज्यादा विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लाइन पढ़ चुके हैं, हम शेप पढ़ चुके हैं, हम स्पेस पढ़ चुके हैं, और हम अभी हमने वैल्यू पढ़ा है। अब हम आप वैल्यू कैसे देखेंगे अपने एनवायरनमेंट में, कैसे जा करके आप इसका अध्ययन करेंगे, आप अपने आसपास देखिएगा कि किस तरीके से
जो टोन होता है, जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू को कैसे यू नो बदल बदल करके नेचर में आप देखेंगे कि हरे का भी कितना टोन होता है, ठीक है, हरे का टोन कितना ब्राउन के अगेंस्ट अच्छा अच्छा लगता है, कितने डार्क कलरों के अगेंस्ट अच्छा लगता है, कैसे वो कंट्रास्ट बनता है, कैसे पहाड़ों को देखेंगे अगर आप, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल जो आपको प्रकृति है, प्रकृति में अगर चीज़ों को देखेंगे आप, तो आपको ऐसा दिखेगा कि कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं कलर के वैल्यू में, कलर के टोन में। अब आप इस एक्सरसाइज को करें, तस्वीरें खींचें, आप ड्राइंग बना सकते हैं, पेंसिल लेकर के आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के ग्रे टोन्स बना सकते हैं, डार्कर से लाइटर की तरफ, लाइटर से डार्कर की तरफ, इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप हमें इस ईमेल आईडी पर इसे भेजें और इस फोन नंबर पे इसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप हमें, और फिर उसके बाद हम इसका अध्ययन करेंगे और आपके साथ इसके बारे में विस्तृत बातचीत करेंगे, और हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और एलिमेंट ऑफ डिजाइन यानी कि जो मूलभूत तत्व होते हैं डिजाइन के, उसके बारे में और जानकारी आपको देंगे।